आज एक बहुत खूबसूरत ब्यूटी पेजेंट होने जाना है जिसके लिए 31 कंटेस्टेंट्स पूरे इंडिया से आए हैं. यू नो आई ऑलवेज बिलीव कि द मोस्ट ब्यूटिफुल आर द पीपल हु बिलीव इन द ड्रीम्स. तो ये 31 गर्ल्स वो हैं जो अपनी ड्रीम्स में बिलीव करती हैं और उस ड्रीम्स को परस्यू करने यहाँ आई हैं छोटे छोटे शहरों से. और वो आज अपनी ड्रीम लिव करने वाली हैं. उनमें से कोई जीतेंगी और जीतने के बाद उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, उनके लिए अलग ही अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, तो उनके लाइफ का एक बहुत ही चेंजिंग मोमेंट होएगा. सो मैं आज ये शो, मैं इस शो की जज हूँ आज और मैं इस शो को क्यूरेट कर रही हूँ. मैं एक राउंड कर रही हूँ इस शो में जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस राउंड है, जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ चल रहे हैं, तो वो राउंड मैं कर रही हूँ. और बाकी जो डिज़ाइनर्स आज आए हैं उनको मैंने उनकी कलेक्शंस पुट टुगेदर करने में हेल्प की है कि ये डालिए ये नहीं डालिए. पर चार और डिज़ाइनर्स हैं जो अपनी कलेक्शंस दिखा रहे हैं. एक स्पोर्ट्स वुमेन और बहुत मशहूर कलाकार संध्या शेट्टी आ रहे हैं. फिर जिया मानिक जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, टीवी स्टार, वो आ रहे हैं. फिर अंकिता भार्गव पटेल हैं और भी हैं कुछ. और शिवानी कश्यप है जो वॉक भी कर रही है. तो आप सबको देखेंगे हमारे वुमेन ऑफ सब्सटेंस जी. कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया है और अभी हम एक महीने बाद एक और शो करने जा रहे हैं जिसमें हम मेल स्टार्स ऐसे देखेंगे उसमें. आई थिंक अभी सब लोग समझ रहे हैं जीएसटी. लेकिन बहुत खूबसूरत बात जीएसटी की ये है कि कल 12 बजे जीएसटी लागू हुआ और मैं एक्चुअली टीवी बैठ करके देख रही थी और उसमें दिखाया कि यू नो प्रधानमंत्री गए हैं और जीएसटी. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डेफिनेटली है कि मोदी जी के आने के बाद हम सबको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया है. अगर हम 5 साल पहले देखें तो हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में कभी बात नहीं करते थे. अब अच्छी बात करें या बुरी बात करें, सब कुछ ना कुछ तो बात, सबके पास एक ओपिनियन होता है, नहीं अच्छा नहीं है, नहीं ये बहुत अच्छा है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ ही इज़ involving the entire country with him. Thank you so much. Thank you so much.